Hello students, this is the fifth part of the carbon and its compounds. In previous videos we have already discussed about the ionic compounds kive bande si. Ionic compounds are formed by the formation of ions. The ions kive bande si? By gaining or losing the electrons ions are formed. Theek hai, next hai ga covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़िया सी. कोवेलेंट बॉन्ड की होंगे द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है, वो किसी कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े सके. ठीक है, काफ़ी सारे आप एलीमेंट्स के कि पढ़े से जिमें आप नाइट्रोजन का पढ़िया सी, है ना. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आप नाइट्रोजन के दसिया से भी ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, है ना. जिदे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए वो कि सैचुरेटेड कंपाउंड से, है ना. जोड़े सिंगल बॉन्ड सगा, है ना, तो वह किसी जोड़े सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड कंपाउंड से, जोड़े डबल या ट्रिपल से कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से. ठीक है, ये सारा आप पढ़िया. नैक्सट आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े से काफ़ी सारे, जिमें कि पढ़े से हैलो वाले पढ़े से, है ना, क्लोरो ब्रोमो ये सारे पढ़े से. तो इन्हों का की लगता सी? सफिक्स लगता, है ना. नैक्सट आप पढ़े से ऑक्सीजन एलकोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ये सारे की आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े से, है ना, प्रीवियस वीडियोज़ के. नैक्सट आप होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी सी. सीरीज़ विच आर फॉर्म्ड बाय द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिद कि सेम फंक्शनल ग्रुप लग्या होगा हाइड्रोजन की प्लेस पर, उन्होंने आप कहें होमोलोगस सीरीज़ कहते. नैक्सट आप नॉमनक्लेचर पढ़े से कार्बन कंपाउंड्स के. ठीक है, नॉमनक्लेचर के आप सिफिक्स प्रीफिक्स ला के कि उन्होंने नेमिंग दी सी. ठीक है, ये सारे आप प्रीवियस वीडियोज़ के विच के पढ़ चुके हैं. अज आप स्टार्ट करांगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप प्रीवियस वीडियोज़ के पढ़िया सी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस विद द इनक्रीज इन द मोलिकुलर मास. जिमें जिमें मोलिकुलर मास इनक्रीज होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगे सी. ठीक है, जिमें बॉयलिंग ते मेल्टिंग पॉइंट की इनक्रीज विद द इनक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ चेन. जिमें जिमें कार्बन की क्या चेन बढ़ती सी, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ते बैलिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट की इनक्रीज होंगे सी बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज इनक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हो रही थी, इनक्रीज हो रही थी. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे कंबर्शन. कंबर्शन का मीनिंग होंगे बलना. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जो बालते हैं, है ना, अग लगाने. ठीक है, जलना बलना वो की कंबर्शन है. ठीक है, जिमें कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्नस इन ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. जिहड़े कार्बन है ज कार्बन के एलोट्रॉप्स ने, ठीक है, उन्होंने जो आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आपां नूं की दिंदे कार्बन डाइऑक्साइड तो की दिंदे हीट तो की है लाइट. ठीक है, जिवें हुण कार्बन है, ठीक है, कार्बन नूं आपां की ऑक्सीजन की प्रेजेंस के विच की बर्न किया. ठीक है, उन्हें की दिता आपां नूं कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट. ठीक है, नैक्सट है मिथेन. Most of the carbon also release a large amount of heat and light on burning. कुछ की है ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स ने जिहड़े की है ज़्यादा हीट ते की लाइट की है प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग. ठीक है, जिवें मिथेन है. ठीक है, मिथेन नूं आपां की ऑक्सीजन की प्रेजेंस के विच की बर्न करवावांगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हीट एंड एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, नैक्सट हैगा इथेनॉल. इथेनॉल नूं भी अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बर्न करते कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो की हीट प्लस की एनर्जी रिलीज़ होगी. ठीक है, मिथेन की मिथेन अपने की बहुत सारे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ होंगे मिथेन तो की इथेनॉल. ठीक है, मिथेन की है बायोगैस के यूज़ होंगे. ठीक है, फ्यूल्स आप फ्यूल्स के यूज़ करते हैं मिथेन. ठीक है, तो जड़ा यह इथेनॉल है, इथेनॉल आप अल्कोहल वगैरह के या मेडिसिनल परपस के इथेनॉल की यूज़ करते हैं. ठीक है, नैक्सट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैचुरेटड हाइड्रोकार्बनस विल गिव अ क्लीन फ्लेम वैन वाइल अनसैचुरेटड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव द येलो फ्लेम. फ्लेम का मतलब होंगे जी लाट, है ना, जिमें कि मोमबत्ती है, है ना, मोमबत्ती कैंडल के उत्ते जी की है फ्लेम है. ठीक है, जी उपर की है फ्लेम है. ठीक है, जिमें बर्नर होंगे. ठीक है, बर्नर के उपर भी जी की बनूंगी, है ना, ये की है फ्लेम है. ठीक है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਲੀਨ ਫਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਨ ਫਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਯੈਲੋ ਫਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਦੀ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਰਨਰ ਬਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਜੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦੀ ਸੂਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਔਨ ਦੀ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਰਸ਼ਨ ਆਫ ਈਵਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੂਟੀ ਫਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਬਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟਸ, ਮੈਟਲ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਟੋਵ ਯੂਜਡ ਐਟ ਹੋਮ ਹੈਜ਼ ਇਨਲੈਟਸ ਫੋਰ ਏਅਰ ਸੋ ਦੈਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਟੋਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਲੈਟਸ ਨੇ ਏਅਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਏਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਬਰਨਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਕਲੀਨ ਬਲੂ ਫਲੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਔਰੇਂਜ ਫਲੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਲੈਟਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਆ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਬਲੂ ਫਲੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਕੁਕਿੰਗ ਵੈਸਲਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬਲੈਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਏਅਰ ਹੋਲਸ ਆਰ ਬਲੋਕਡ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਲੈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵੇਸਟ, ਫਿਊਲ ਕੀ ਆ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਊਲ ਕੀ ਆ ਬਲੈਕਨ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਸੱਚ ਐਸ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਇਨ ਦੇਮ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਫਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਕੰਬਰਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੋਰ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚ ਆਰ ਮੇਜਰ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਰਨ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਫਲੇਮ। ਕੁਛ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਫਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਨਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਇਧਰ ਅ ਕੋਲ ਔਰ ਅ ਵੁੱਡ ਫਾਇਰ। ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਿ ਵੁੱਡ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਨੋਟ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਨੋਟ ਆਫ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਦੀ ਵੁੱਡ ਔਰ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਸ ਟੂ ਬਰਨ। ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅਬਵ ਦੈਟ ਅ ਕੈਂਡਲ ਔਰ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਇਨ ਅ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਬਰਨਸ ਵਿਦ ਅ ਫਲੇਮ। ਦੇਖੋ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਲੇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਟੋਵਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਲੇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਯੂ ਵਿਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦ ਕੋਲ ਔਰ ਅ ਚਾਰਕੋਲ ਇਨ ਐਨ ਅੰਗੀਠੀ, ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਸਟ ਗਲੋਜ਼ ਰੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਿਵ ਆਊਟ ਹੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਫਲੇਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਫਲੇਮ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵੈਨ ਦ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਰਨ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਲੇਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਬਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਲੇਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੁੱਡ ਔਰ ਚਾਰਕੋਲ ਇਜ਼ ਇਗਨਾਈਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੁੱਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇਗਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ
जलते हैं, ठीक है। द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद द फ्लेम दिस इन द बिगनिंग। जो कि बुढ़ तक ये चारकोल नूं आपां बुलाउने, ठीक है, बल्द बर्न कर दें, ठीक है। तो उदों की वोलाटाइल सबसटांस मीनस जिहड़े की आ ईजली इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, वो की करते हैं बर्न बर्न हो जाते हैं, ठीक है, बर्न करके वो की बिगनिंग बिगनिंग दे विच आपां जो कि कोल नूं जलाउने आ बिगनिंग दे विच आपां नूं की है फ्लेम मिलती है ना, फिर की है फ्लेम बंद हो जाती है, बंद होने तो बाद की है वो सिर्फ की है रेड रेड हो जाते हैं, ठीक है, रेड रेड होकर आपां नूं हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिर्फ बिगनिंग दे विच फ्लेम मिलती है, वो क्यों मिलती है, क्योंकि उहदे विच की है वोलाटाइल कंपाउंड्स होंदे आ जिहड़े कि ईजली इवेपोरेज हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट हो होंदे आ तो वो की बर्न होके की आपां नूं सिर्फ बिगनिंग दे विच की है फ्लेम दिंदे आ, ठीक है। नैक्सट है ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन वैन एन एटम ऑफ गैसियस सबसटांसिज आर हीटड एंड स्टार्ट टू ग्लो। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलीमेंट इज करैक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ द एलीमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतों तक ही है, ठीक है। जो आप याद रखना कि फ्लेम आपू कदों प्रोड्यूस नहीं जो गैशियस सबसटांसिज बर्न होंगे, ठीक है। नैक्सट हैगा फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलीयम। कोल तो पेट्रोलीयम किमें फॉर्म होंगे, ठीक है, ये जड़े अपने की ट्रीज़ वगैरह होंगे, ठीक है, जेडे उन्होंने वो की करते हैं, देखो कोल इज रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ फोन्स, है ना, जेडे भी ट्रीज़ वगैरह डिग जाते हैं, है ना, तो कि अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियन ऑफ ईयरस अगो, ठीक है, वो की धरती दे विच की क्रस्ट मतलब कि उत्थे की समा जाते हैं, ठीक है, जिवें अर्थ कुक क्यूक वगैरह आते हैं, ठीक है, तां करके जेडे ट्रीज़ वगैरह टुट जाते हैं वो धरती दे विच ही रह जाते हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह आते हैं, ठीक है, जो भी डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है, उदों की अपने की है ट्रीज वगैरह की है टुट के की है धरती दे विच समा जाते हैं, ठीक है, फिर काफ़ी सालों तो बाद की है वह उत्थे गल सड़ जाते हैं, ठीक है, स्लोली डिकेड इन टू दी कोल, फिर स्लोली स्लोली की है वह कोल दे विच डिके हो जाते हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन द सी। ऑयल्स ते गैस आपां नूं क्यों मिलदी है, क्योंकि जिहड़े उत्थे की है प्लांट्स ते की एनिमल्स हुंदे आ वो भी उहदे विच की है बहुत मिलियन ऑफ मिलियंस तो की है उहदे विच ही रहिंदे सीज दे विच, आपां नूं की है ऑयल ते की है गैस मिलदी है, ठीक है, जदों उहनां दी बॉडीज़ की है मर जांदी है, ठीक है, उहनां दी बॉडीज़ की हो जांदी है सी दे विच की है दफन हो जांदी है समुंदर दे विच, ते उहनां नूं की है कवर हो जाती हैं स्लिट के नाल उत्थे की बैक्टीरिया अटैक करते हैं डेड रिमेनिंग तो वो की है ऑयल तो की गैस के कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी की है फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नैक्सट हैगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप फर्स्ट चैप्टर के पढ़िया सी, ठीक है, की सी ऑक्सीडेशन द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, जिहड़ी कि ऑक्सीजन नू गेन करती है रिएक्शन द ड्यूरिंग, ठीक है, वो की सी ऑक्सीडेशन सीगा, ठीक है, जिवें हुण आपां की इत्थे पढ़ांगे, ठीक है, देखो इथेनॉल आ, ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, इन्हें की करता जदों इहनूं आपां की सारे की है कैटलिस्ट देवांगे, ठीक है, तो हीट करांगे तो आपां नूं की मिथेनॉइक एसिड मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हें की ऑक्सीजन गेन की गेन करके की बना लिया इथेनॉइक एसिड बना लिया, ठीक है, मिथेनॉल तो इथेनॉल तो कि इथेनॉइक एसिड कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इहदे विच के वी सॉ दैट सम सबसटांसिज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदरस, दीज सबसटांसिज आर कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जेडे की सबसटांसिज है, ठीक है, इन्हों ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करके की है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनू इस करके इन्हों की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है, अल्कलाइन पोटाशियम परमैगनेट एसिडिफाइड पोटाशियम, देखो आके पोटाशियम परमैगनेट आके एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, है ना, आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड, ये की है हेल्प करते हैं एल्कोहल नू की है एसिड दे विच कन्वर्ट करन दे लई, दैट इज़ एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटीरियल, ये की है जिहड़ा स्टार्टिंग मटीरियल है उन्हों की है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हैंस दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये की है एल्कोहल तो की है एसिड दे विच कन्वर्ट करने लिए आपां नूं की है जिहड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए, ठीक है, जिवें कि पोटाशियम परमैगनेट पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये की करते हैं जिहड़ा बिगनिंग दे विच मटीरियल हुंदा उहनूं की ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उहनूं की एसिड दे विच की है कन्वर्ट कर देंदे, इसलिए इन्हां नूं की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है, ठीक है। नैक्सट हैगा एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन दे विच की होगा द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम एंड निकल टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एदे विच की होगा जिहड़े अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन जिहदे कोल डबल या ट्रिपल बोंड है ठीक है उहनूं की आपां सिंगल बोंड दे विच कन्वर्ट करना मतलब कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स नूं की हाइड्रोकार्बन्स नूं आपां की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे विच कन्वर्ट करना है ठीक है इसलिए आपां नूं इह कीदी प्रेजेंस दे विच होगा कैटलिस्ट दी प्रेजेंस दे विच होगा जिवें प्लैटिनम निकल ठीक है हाइड्रोजन ये सारे की कैटलिस्ट ने ठीक है कैटलिस्ट की होंगे है जिहड़े की रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की इनक्रीज कर देंगे ठीक है कैटलिस्ट आर सबसटेंसिज दैट कॉजिज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट अ रिएक्शन विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड कैटलिस्ट की करते हैं रिएक्शन नूं की आ डिफरेंट रेट दे उत्ते की प्रोसीड कर लेंदे आ मतलब जे रिएक्शन स्लो आ तां उहनूं की फास्ट कर देंदे आ बट आप जिहड़े कैटलिस्ट होणगे उहनां ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा ठीक है अपने आप नूं इह बिल्कुल चेंज नहीं करदे बट रिएक्शन नूं की करदे इनक्रीज या डिक्रीज कर देंदे आ उहदी की रेट ऑफ रिएक्शन की आ बधा या घटा देंदे आ ठीक है द रिएक्शन इज़ कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट वेजिटेबल ऑयल्स ठीक है जनरली हैव अ लोंग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल द एनिमल फैट हैव अनसैचुरेटेड देखो एक है अनसैचुरेटेड है ठीक है ठीक है डबल बोंड सी ना हुण आपां की कैटलिस्ट की हैल्प नाल की है इनू की करता सिंगल बोंड विच कन्वर्ट करता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस दे विच इतों की एक बोंड टुट के है ना एक इधर हाइड्रोजन चला गया इधर हाइड्रोजन चला गया तो की बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस देखो एक इन्होंने की क्या एग्जाम्पल दी है जिवें वैजीटेबल ऑयल्स है ठीक है वैजीटेबल्स ऑयल्स है जिहड़े कि लोंग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन तो बने होंगे ठीक है एनिमल फैट है जिहड़ी कि सैचुरेटेड कार्बन चेन होंगी है ठीक है उन्होंने जिहड़ी रिएक्शन है की है इनू की आपां की करते हैं सैचुरेटेड दे विच चेंज करते हैं बाय यूजिंग द निकल कैटलिस्ट ठीक है यू मस्ट हैव सीन एडवरटाइजमेंट स्टेटिंग दैट दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हैल्दी आपां की एडवरटाइज एड्स वगैरह देखते हैं टीवी दे विच की कुछ ऑयल्स की अपने लिए हैल्दी है ठीक है एनिमल फैट्स जनरली कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ जिहड़े कि अनसैचुरेटेड अपने लिए अनसैचुरेटेड जिहड़े बने होणगे वैजिटेबल ऑयल्स जिवें है ना अनसैचुरेटेड कार्बन वो अपनी हैल्थ दे लई कि वधिया जिहड़े कि सैचुरेटेड ने वह अपनी हैल्थ दे लई कि हार्मफुल है ठीक है जिवें कि इन्होंने कि एनिमल फैट्स है जिहड़े कि वह सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो बने होंगे तो वह अपनी हैल्थ दे लई कि हार्मफुल ने ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर द कुकिंग जिहड़े ऑयल्स कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो बने होंगे ठीक है वह की है कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है ये भी की इंपॉर्टेंट है ठीक है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ने जिन्हें भी आनी सारी की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ने ठीक है नैक्सट हैगा सबस्टीट्यूशन रिएक्शन सबस्टीट्यूशन रिएक्शन के होंगे इस आप सबस्टीट्यूट करवाना ठीक है जिवें किसी की रिप्लेस के उत्ते आप क्या किसी होर आइटम लगा देना ठीक है आप पढ़ते हैं बाकी तुम्हें पता लगेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस आर फेयरली अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस ने जोड़े कि अनरिएक्टिव ने एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट जिहड़े कि बिल्कुल भी रिएक्ट इनर्ट का मतलब कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट रिएजेंट की प्रेजेंस के कई रिएजेंट यहोजे होंगे जिन्हों की प्रेजेंस के बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते ठीक है However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. कई बार कहते सनलाइट तो क्लोरीन जो ऐड करते हैं तो हाइड्रोकार्बनस की रिएक्शन की है बहुत फास्ट हो जाती है क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन क्लोरीन एटम है जोड़ा की है हाइड्रोजन एटम्स में क्या वन बाय वन की रिप्लेस करता है जिमें कि मिथेन है ठीक है मिथेन पहला की है क्लोरीन ने ए वाले हाइड्रोजन रिप्लेस किया ठीक है फिर हौली हौली की है ए वाले हाइड्रोजन रिप्लेस करता फिर ए वाले हाइड्रोजन रिप्लेस करता फिर ए वाले हैं करके वन बाय वन की है रिप्लेस करूगा ठीक है इट इज़ कॉल्ड द सबस्टीट्यूशन रिएक्शन इनू की सबस्टीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की सबस्टीट्यूट करके लगे बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ द अनदर ठीक है क्यों क्योंकि एक एटम है जोड़ा कि दूसरे एटम को क्या रिप्लेस कर रहा है इसलिए इनकी सबस्टीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड आर यूजली फॉर्मड इन द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स देखो जिम्मे मैं इतने कहा
मिथेन है, मिथेन दे विच के दो क्लोरीन नू आपां के रिप्लेस करवाना। ठीक है, पहला स्टेप की होगा, एक एक हाइड्रोजन नू रिप्लेस करूगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन नू रिप्लेस करके की बनूगा CH3Cl प्लस के HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोबारा फिर करांगे तो कि दो नू बनूगा। देख फॉर एग्जाम्पल की है, ये देखो ठीक है मिथेन है, ठीक है CH4। ठीक है, आपां की दो क्लोरीन नू रिप्लेस करना दो हाइड्रोजन दे ऊपर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस विच होगा। ठीक है, पहला की फर्स्ट स्टेप की होगा, पहला एक हाइड्रोजन नू रिप्लेस करूँगा, एक हाइड्रोजन नू रिप्लेस करके की बनाऊगा। ठीक है, ये बनाया। ठीक है, एच सी एल के रिमूव हो गया। ठीक है, हूँ क्या दूजा, ये देखो बन गया ना CH3Cl, इतने भी की लिखा है CH3Cl। ठीक है, हूँ आप दूसरे नू बनावे, ये हूँ आपका क्योंकि प्रोडक्ट ए बन गया। ठीक है, ये की आप करा क्लोरीन नू ऐड करा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हूँ की होगा सी एक इतने रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है प्लस की हो जाएगा एच सी एल। ठीक है, तो एक ही बन जाएगा CH2Cl2। ठीक है, वन बाय स्टेप बाय स्टेप की है, एक ही रिप्लेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा आपां कीता सी, वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहिंदे जिहड़ी कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल जदों आपां करदे हां इथेनोइक एसिड, तो उन्हों ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता, क्यों कहा जाता ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो आपां की पढ़िया सी इथेनॉल, आपां पिछे पढ़ के आए। ठीक है, इथेनॉल की है CH3CH2OH के इथेनॉल है। ठीक है, जदों इन्हों आपां की करदे हां कुछ की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने KMnO4। ठीक है, जंकी है K2Cr2O4, पोटाशियम डाइक्रोमेट है जोड़ा। ठीक है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की है एल्कलाइन KMnO4 जी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने, इन्हों की प्रेजेंस के है ये की कन्वर्ट हो जाता है कि CH3COOH इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ये क्यों होंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जोड़े ये कि इनू प्रोवाइड कर दिया ऑक्सीजन। ठीक है, इनू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, तो गेनिंग ऑफ एनी सबसटांस विच गेन ऑफ विच गेन्स द ऑक्सीजन। ठीक है, जेड़ा भी कोई भी सबसटांस है जोड़ा गेन कर लेंदा ऑक्सीजन, तो उन्होंने की कहें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहें। ठीक है, उन्होंने आप कहें ऑक्सीडेशन। ठीक है, नैक्सट हैगा अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्नड फॉर द वेल्डिंग। कैन यू टैल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज। देखो कि जो भी इथाइन तो ऑक्सीजन का मिक्स करते वो अपन की एक कंप्लीट कंबर्शन देता। ठीक है, उस कोई अपन सूटी फ्लेम नहीं मिलती। ठीक है, तो जो आप इथाइन तो एयर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर वेल्डिंग के लिए कहिंदे क्यों नहीं यूज़ होंगी, क्यों नहीं यूज़ होंगी, क्योंकि इथाइन तो एयर जो आप यूज़ करते हैं ये कि इनकंप्लीट कंबर्शन होंगी है। ठीक है, इनकंप्लीट कंबर्शन दे विच होने करके आपां नूं की है सूटी फ्लेम मिलती है। ठीक है, मतलब कि है उहदे विच की है ब्लैक जिहड़ी अनकंप्लीट इनकंप्लीट कंबर्शन के कारण उन्होंने की है कुछ की जिहड़े ऑक्सीजन ते इथाइन दे मिक्सचर नूं यूज़ किया जाता है। ठीक है, वह किहड़ा मिक्सचर है वेल्डिंग दे लई यूज़ करन दे लई, ऑक्सी एसीटाइलीन मिक्सचर नूं की है यूज़ किया जाता फॉर वेल्डिंग दे लई। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितने की है एसीटाइन का की है एसीटिलीन का की है मिक्सचर होंगे जोड़ा वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पता चले ऑक्सीजन तो इथाइन का मिक्सचर क्यों यूज़ किया जाता, क्योंकि कंप्लीट कंबर्शन होंगी है, तो इथाइन तो एयर के इनकंप्लीट कंबर्शन होंगी है, तो आप सूटी फ्लेम देता है। ठीक है, नैक्सट है सम इंपोर्टेंट कार्बन कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल तो इथेनोइक एसिड। आप हूँ इन्हों के की है पढ़ांगे इथेनॉल तो इथेनोइक दी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। ठीक है, मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू एस, कुछ कार्बन कंपाउंड्स है जोड़े अपने लिए कोई भी वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, उसका कोई अपन की यूज़ नहीं है, बट हेयर वी शैल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल तो के इथेनोइक एसिड। आप इथेनॉल तो के इथेनोइक एसिड दी की प्रॉपर्टी, इथेनॉल तो इथेनोइक एसिड नूं आपां कि कमर्शियल परपज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप पढ़ते हैं भी किवें यूज़ करते हैं। ठीक है, इथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टैंपरेचर। ठीक है, इथेनॉल की लिक्विड है,
रूम टैंपरेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਕਾਲਡ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ CH2OH ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਫਿਕਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ OH ਅਤੇ OH ਜਿਹੜਾ ਸਫਿਕਸ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਫੋਰ ਆਲ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਥੇਨੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸੱਚ ਐਸ ਦੀ ਟਿੰਕਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਕਫ ਸਿਰਪਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਟੋਨਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਿੰਕਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੇਨੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਥੇਨੋਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਇਥੇਨੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਬ ਕਰਦੇ ਇਨ ਆਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ 10 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੇਨੋਲ ਯੂਜ਼ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸਮਾਲ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਲਿਊਟ ਇਥੇਨੋਲ ਕੋਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਡਰੰਕਨੈਸ ਈਵਨ ਦੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਮਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਾਊਐਵਰ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਅ ਸਮਾਲ Even a small quantity of pure ethanol can be a lethal. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਲਿਊਟ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਟੇਕ ਈਵਨ ਅ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲੀਥਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਸੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਲੀਡਸ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਥੇਨੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਥੇਨੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੇਨੋਲ ਕੀ ਹੈ CH3 ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ CH3 CO CH2OH ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ CH3CH2O ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ H2 ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਸੋਡੀਅਮ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਅਲਕੋਹਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਲੀਡ ਟੂ ਦੀ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਔਨ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਮੈਟਲਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਤੋਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਥੇਨੋਲ ਐਟ 443 ਕੈਲਵਿਨ ਵਿਦ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਐਸਿਡ
सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल। ठीक है, ये कि आप हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना वो प्रेजेंस के आप की है अल्कोहल में की कन्वर्ट कर सक एसिड के आप सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवावे तो आप डिहाइड्रेशन किमें होंगी है देखो सी एच थ्री। ठीक है, इतने की है सी एच एच ओ एच, इतने भी एच, इतने भी एच, इतने भी एच, इतने भी एच, इतने ओ एच लगा लो, इतने की एच देखो, इतने की है वाटर की है डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब वाटर की हो जाता रिमूव हो जाता है। ठीक है, जो तो वाटर रिलीज होगा, ठीक है, तो इतने की सिंगल बॉन्ड बन जूगा। ठीक है, इतने की बन जूगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जूगा, डबल बॉन्ड आके की बन जूगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कन्वर्ट हो जूगा, तो वाटर की हो गया रिमूव हो गया। ठीक है, ये दिस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इनू की सल्फ्यूरिक एसिड नू आप की कह सकते हैं जेड़ा इतने की डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। ठीक है, एक ही कर दिंदा विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द अल्कोहल, एक ही हेल्प करता अल्कोहल दे विच की वाटर नू की रिमूव करन दे लई। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शनस ने। ठीक है, सारिया इंपॉर्टेंट रिएक्शनस ने जिन्हें भी आप पिछे भी कीतियां हुण भी कीतियां। ठीक है, नैक्सट है हाउ डू अलकोहल अफैक्ट द लिविंग बींगस, जी अलकोहल आ किमें आप अफैक्ट करती है। ठीक है, वैसे तो आप पता ही है बट ये के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने। वैन अ लार्ज क्वानिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम इट टेंड्स टू स्टो मैटाबोलिक प्रोसैस एंड टू डिप्रैस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये की करती है जो आप लार्ज क्वानिटी के इथेनॉल लें, ठीक है, कंज्यूम करते हैं तो वो अपने की मैटाबोलिक प्रोसैस में जोड़ा कि स्लो कर देंगी है, तो अपने जो नर्वस सिस्टम है उन्होंने भी की कर दें डिप्रैस कर दें, उन्होंने भी की कर दें अफेक्ट कर दिए। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन द लो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्रॉसीनेस, ठीक है, लोअर द नॉर्मल इनहिबिटेशन, ये सारे की ये की इफेक्ट नहीं। ठीक है, द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्सड विदाउट रिलीजिंग हिज सेंस ऑफ जजमेंट, बट ये जो कंज्यूम करते हैं जो है ना उन्होंने की लगता है कि रिलैक्स महसूस कर रहे हैं बट वो रिलैक्स नहीं, उन्होंने की है बहुत सारे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की है सीरीयसली इंपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उन्होंने लगता है कि असी रिलैक्स हो गए बट उन्होंने ये नहीं पता लगता कि वो अपनी की सेंस ऑफ जजमेंट सब कुछ की खो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनलाइक इथेनॉल, इथेनॉल तो ठीक है बट जे आप की मीथेनॉल लें, ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज दी डैथ। जे आप की मीथेनॉल थोड़ी जी क्वांटिटी के भी लें तो वह आप अपनी की डैथ का कारण भी बन सकती है। ठीक है, मीथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मीथेनॉल इन द लीवर, क्यों, क्योंकि जी मीथेनॉल आ की करती है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मीथेनॉल जी है वह की ऑक्सीडाइज होकर कि अपने लीवर के मीथेनॉल के चेंज हो जाती है, फिर मीथेनॉल की करता है रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सैल्स, जोड़े अपने की सैल्स होंगे उन्होंने गल की बहुत जल्दी की रिएक्ट करता है। इट कोगुलेट दी प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है उन्होंने की कर दिता है श्रिंक कर दिता, कोगुलेट मतलब कि वो आले दुआले, इन मच द सेम वे एन एग इज कोगुलेटेड बाय अ कुकिंग। ठीक है, मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग द ब्लाइंडनेस, जे अपने की ऑप्टिक नर्व न भी की करता है इफेक्ट करता है तो वो अपन की ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जे आप की मीथेनॉल की थोड़ी क्वांटिटी भी लें अपनी की जान डैथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जोड़ा मीथेनॉल आ लीवर के चेंज हो जाता मीथेनॉल के, ठीक है, फिर मीथेनॉल अपने की सैल्स के नाल रिएक्ट करता, हाईली रिएक्ट करता। ठीक है, इस करके कि वह अपने प्रोटोप्लाज्म कोगुलेट कर लेंद, मतलब उन्होंने की सारे की कवर कर लेंदा। ठीक है, जिदे करके आप की है अपनी डैथ भी हो सकती है, तो मीथेनॉल की है जो ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है तो आपको की ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ठीक है, ये आप सारा पढ़िया इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के लिए भी इथेनॉल को की यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल नू की फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, शुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशेंट कन्वर्टर ऑफ द सनलाइट इन टू द कैमिकल एनर्जी। ठीक है, जो शुगर केन प्लांट है उदे विच की किया जाता सनलाइट नू की कन्वर्ट किया जाता कैमिकल एनर्जी के। ठीक है, शुगर केन यूज कैन बी यूज प्रिपेयर ऑफ मोलेसिस विच इज़ फरमेंटेड टू गिव अल्कोहल। ठीक है, जिमें शुगर केन यूज है, ठीक है, उन्होंने आप गुड़ के चेंज करते हैं। ठीक है, वो किमें करते हैं उन्होंने की बाद चो कि फरमेंट कर सकते हैं अल्कोहल के भी फरमेंट करते हैं। ठीक है, सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन द
पेट्रोल कुछ कंट्रीज़ की है उनके पेट्रोल दे विच भी यदि कि थोड़ी क्वांटिटी नु की ऐड करन लग गए अल्कोहल दी सिंस इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, क्योंकि एक ही क्लीन फ्यूल है ठीक है, विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड द वाटर ऑन बर्निंग विच सफिशेंट। ये सिर्फ कि आपां नु जदों ये बर्न हुंदा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ते कि वाटर ही दिंदा है ठीक है, एयर दे विच रिलीज़ करदा है ठीक है, इसलिए इनू कि फ्यूल दी तरह भी यूज़ किया जाता है ठीक है। बाकी हम अपना जो चैप्टर रह गया वो नेक्स्ट वीडियो दे विच कंप्लीट करांगे, सिर्फ अपनी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड बचे थे कि रिएक्शंस बचे ने ठीक है, सोप ते डिटर्जेंट बचे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करांगे ओके।